बिहार के पटना में मंगलवार शाम सरेआम इंडिगो के स्टेशन हेड रुपेश सिंह की हत्या से दहशत फैल गई है। अपराधियों ने रुपेश पर पटना के पुनाईक आवास से ठीक बाहर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी। रुपेश के आवास पर आने के लिए एकमात्र रास्ता ही है जिसके सहारे अपराधी आए। यह रास्ता रुपेश के घर पर ही खत्म भी हो जाता है। जिस अपार्टमेंट में वह रहते थे उस अपार्टमेंट का सीसीटीवी कैमरा भी काम नहीं करता है। वहीं रुपेश सिंह की हत्याकांड के मामले में जांच के लिए पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया है। स्पेशल टीम पटना के पुनाईक इलाके में हुई इस घटना के बाद आसपास के इलाकों में जांच के लिए पहुंची है। इस दौरान पुलिस की तरफ से हत्याकांड में एक अहम सुराग मिलने का दावा किया जा रहा है। दरअसल रुपेश के अपार्टमेंट के पास के एक सीसीटीवी कैमरे में एक बाइक पर जाते हुए दो लोग देखे गए हैं। इसके बाद उनकी तलाश पटना पुलिस ने तेज कर दी है। हत्या के बाद रुपेश की कार को भी पुलिस ने जांच के लिए अपने कब्जे में लिया है। साथ ही उनके कार से मिला मोबाइल को भी पुलिस लगातार खंगाल रही है। पुलिस इस बात की जानकारी इकट्ठा करने में जुटी है कि अंतिम बार रुपेश की बात किससे हुई थी। पुलिस उन सब से भी पूछताछ करने के मूड में है। जिस तरह से पटना में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है उसके बाद पुलिस को पेशावर शूटर्स पर शक है। आपको बता दें कि पटना में रुपेश का रुतबा सेलिब्रिटी जैसा था। रुपेश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कई नामचीन हस्तियों के साथ फोटो भी पोस्ट किए हैं। वह राजनीति में भी आना चाहते थे। न्यूज़ डेस्क।